पुष्पिता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले अपनी मां हीराबा से मिले। आज मोदी का 64वां जन्मदिन है। सुबह करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने भाई प्रहलाद मोदी के घर पहुंचे, जहां उनकी मां रहती हैं। उन्होंने पैर छूकर मां का आशीर्वाद लिया। बेटे के जन्मदिन के लिए हीराबा ने भी तैयारी कर रखी थी। मां ने पीएम मोदी का मुंह मीठा कराया और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। इस मौके पर आशीर्वाद के तौर पर हीराबा ने पीएम मोदी को 5,001 रुपए दिए, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। हालांकि हर साल प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं कि अपने जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी हर साल अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, तो उसी क्रम में इस बार भी वो गए। लेकिन ऐसा पहली बार था जबकि प्रधानमंत्री बनने के बाद एक तो वो गुजरात गए हों अपनी मां से मिलने के लिए और दूसरा उनका जन्मदिन भी था, तो एक खास मौका। ऐसे में तैयारियां भी घर वालों ने कर रखी थी। हालांकि घर वालों का कहना था कि प्रधानमंत्री वो देश के लिए हैं, लेकिन उनके लिए तो परिवार के सदस्य हैं। उनके भाई का कहना था कि वो मेरे भाई हैं, नरेंद्र मोदी देश के लिए भले ही प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्मदिन है इसलिए घर में खासी तैयारियां हैं। माँ ने चूरमा के लड्डू बनाए थे, जो कि प्रधानमंत्री को यानी कि नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो खिलाते हुए अपने हाथों से हीराबा अपने बेटे नरेंद्र मोदी को चूरमा के लड्डू खिलाते हुए। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं शगुन के तौर पर या फिर बर्थडे गिफ्ट कह लें 5,001 रुपए दिए नरेंद्र मोदी को, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में देने की बात कही। हमारे संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से जब मिलने के लिए गए तो क्या पता चल पाया कि क्या कुछ बातचीत हुई दोनों के बीच? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 7:30 बजे यहाँ पर उनकी माताजी के घर पर पहुंचे, हीराबा के घर पर पहुंचे। पहली बार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे। इससे पहले नरेंद्र मोदी यहाँ पे जब भी आए थे तब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आए थे। हालांकि इस बार भी वो काफ़ी सादगी से यहाँ पे पहुंचे। सिर्फ उनके साथ अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो एक पुलिस की जीप थी, उसके बाद उनकी खुद की स्कॉर्पियो कार थी और उसके बाद SPG की एक कार थी। सिर्फ तीन गाड़ी के साथ यहाँ पर पहुँचे और परिवार, जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे परिवार वाले काफ़ी भावुक हो गए। उनकी माँ को लेकर वो पहले बाहर आए, फिर यहाँ पे जो चेयर लगी हुई थी वहाँ पे वो उनके साथ बैठे। साथ ही उनकी माँ ने उनका मुँह मीठा करवाया। मुँह मीठा करवाने के बाद करीब 5,000 रुपये दिए। हालांकि नरेंद्र मोदी ने ये पैसे लेने से इनकार कर दिया और उनके भाई को कहा कि ये पैसे कश्मीर के राहत फंड के लिए दे दिया जाए। तो साफ तौर पर एक काफ़ी भावुक, एक भावनात्मक जो पिक्चर था वो हमारे सामने आया। और एक हम कह सकते हैं कि मां के लिए उनके देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनका लाल आज उनके सामने आया था, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी आज उनकी मां को मिलने के लिए आए थे। साथ ही उनकी मां ने उनका मुंह मिश्री से मीठा करवाया। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल रहे थे तो जब उन्होंने अपनी माँ के पैर छुए तो माँ ने उनका माथा चूमा और आशीर्वाद दिया। हालांकि माँ ने इशारे से ये भी कहा कि कुछ देर रुक जाओ, तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें घड़ी दिखाई और कहा कि मेरे बहुत सारे शेड्यूल्स हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं ये काफ़ी भावनात्मक दृश्य हम लोगों के सामने आया और एक माँ बेटे का जो मिलन हुआ वो काफ़ी दिलचस्प था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, भावनात्मक रिश्ता माँ बेटे के बीच जो होता है, ऐसा लग नहीं रहा कि प्रधानमंत्री देश के हों और वो अपनी माँ से मिलने आए हों, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बेटा अपनी माँ से मिलने आता है, आशीर्वाद लेने आता है, बिल्कुल उसी तरह से हर बार की तरह, हर बार इसी तरह से जब मुख्यमंत्री भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब भी वो यहाँ पर अपनी माँ से मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपने जन्मदिन पर पहुँचते थे। और अब जबकि वो प्रधानमंत्री देश के हो गए हैं तब भी पहुँचे। काफिला भी छोटा था, प्रधानमंत्री का जैसा काफिला होता है उस तरह का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है घर की बात थी, बेहद व्यक्तिगत ये मुलाकात थी। अपनी माँ से मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, एक बेटा अपनी माँ से आशीर्वाद लेने आया था अपने जन्मदिन के मौके पर, इसलिए बिल्कुल उसी तरह से मिले।
उनकी माँ ने भी आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया अपने बेटे को और ढेर सारी बातें की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चूरमा का लड्डू, जो कि नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद है, उनके जन्मदिन पर खास करके हीरा बा ने अपने बेटे के लिए बनाया था। और उसके बाद शगुन के तौर पर 5001 रुपये, जबकि हर बार जन्मदिन पर 11 रुपये दिया करती थी हीरा बा, लेकिन इस बार 5001 रुपये दिए। लेकिन प्रधानमंत्री अब हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए जाहिर सी बात है भले ही अपनी माँ से मिलने आए थे, लेकिन चिंता देश की, कश्मीर में बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए राहत कोष में इस पैसे को उन्होंने दे दिया। और सीधे हम चलते हैं रिवर फ्रंट पार्क, जहां पर बताया जा रहा है 2:30 बजे के बाद वहां पर चीनी राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं, तैयारियां वहां पर जोरों पर है। श्वेता सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ वहां से जुड़ गई हैं। श्वेता, नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, सीधे साबरमती रिवर फ्रंट से। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, भारत और चीन के बीच आज बातचीत होगी। चीन के राष्ट्रपति आज दोपहर पहुंचेंगे अहमदाबाद, यहां पर नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। क्या मायने इसके निकल सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान यहां रिवर फ्रंट पर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर अनिल गुप्ता हमारे साथ हैं, आईआईएम में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उनसे बढ़कर ये बात है कि चीन बहुत दफा जा चुके हैं, अंदर अंदर के गांवों की का सच जानते हैं वो, साथ में अभिबेन याज्ञिक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में जिस तरह का प्रदर्शन किया और बाईपोल्स में पूरे देश भर में, उसके बाद मुस्कान सभी कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर नजर आती है। इन सब हम चीजों पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपको एक और अहम बात बता दें कि हालांकि पूरे देश को मालूम ही है नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, इसी मौके पर वो यहाँ पर पहुंचे हैं, माँ से मिलने भी वो सुबह सुबह गांधीनगर पहुंचे थे। माँ उनके छोटे भाई के साथ रहती है, सरकारी निवास पर रहती है। वहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी मां ने उन्हें 5001 रुपए इस दफा सौगात में दिए। हमेशा 11 रुपए उनके जन्मदिन के लिए मिलते थे, इस दफा उनके कश्मीर फंड के लिए मिले हैं, फ्लड रिलीफ के लिए मिले हैं। लेकिन हम यहां पर हिंदुस्तान और चीन की बातचीत की का जिक्र कर रहे हैं, तो दिन भर क्या क्या होने वाला है वो आपको बता देते हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि अगर हम सिर्फ उनकी बात कर लें तो वो सुबह माँ से मिलने गए, उसके बाद गांधी मंदिर पर भी पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर वहाँ पर वो बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा जब पहुंचेंगे चीन के राष्ट्रपति यहाँ पर, तो नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें खुद लेने के लिए जाने वाले हैं। इससे आप अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अहमियत है चीन के राष्ट्रपति के अहमदाबाद दौरे की। साबरमती रिवर फ्रंट जिस जगह पर हम यहां पर हैं, यहीं से थोड़ी दूरी पर साबरमती रिवर फ्रंट का वो हिस्सा है जहां पर प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होनी है। हालांकि उससे पहले होटल हयात में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का भी जिक्र है, उसकी भी बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब चीन और भारत की बातचीत होती है तो एक तरफ अर्थव्यवस्था होती है, एक तरफ सामरिक विषय होते हैं, और इन दोनों के बीच, इन दोनों का संतुलन बनाकर चलने का जो रास्ता है वो बेहद अहम हो जाता है। 2:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, उसके बाद 4:30 बजे होटल हयात पर जिस एमओयू की का जिक्र हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी जब चीन के पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे कल, यानी कि दिल्ली में ही, तब उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें बताई कि जब चीन से बातचीत होगी तो क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, भारत चीन के रिश्तों को देखने के लिए किस आईने का इस्तेमाल करना चाहिए। हम पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस खास मेहमान का इंतजार है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का बोइंग 787 विमान दोपहर 2:30 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे पर उतरेगा। एयरपोर्ट पर जिनपिंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर का ये पहला मामला होगा। दोपहर 3:05 पर वो होटल हयात पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करेंगे। शाम 4:30 बजे अहमदाबाद नगर निगम और चीन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शाम करीब 5 बजे जिनपिंग साबरमती आश्रम पहुँचेंगे,
ये नज़ारा साबरमती रिवर फ्रंट का है। इस खास मौके के लिए बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। यहाँ पर चीनी राष्ट्रपति लोक कला और लोक नृत्य का आनंद लेंगे। चीनी राष्ट्रपति के लिए ये खास तंबू लगाए गए हैं। इन तंबुओं में 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी गई हैं। यहीं पर शाम 6:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर जिनपिंग को दावत देंगे। शाम 7:30 जिनपिंग दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रात 9:20 पर वो दिल्ली पहुंचेंगे। अहमदाबाद से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जब भी इस बात का जिक्र होता है कि क्या भारत चीन के रिश्ते सामान्य हो सकते हैं, तो वो 62 से पहले का, या यूं कहें कि 55 के बाद जो एक नारा प्रबल हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई, लोग सोच रहे हैं कहीं वही धोखा फिर ना हो जाए। तो इसीलिए मैं एक राजनेता से पहले एक अर्थशास्त्री से उनकी राय जानना चाहूंगी कि उन कूटनीतिक धोखेबाजी को भूलकर क्या अर्थव्यवस्था की के जरिए एक नया रिश्ता कूटनीति की भी समस्याओं को सुलझा सकता है। बेशक सुलझा सकता है। अगर हम अमेरिका द्वारा उस जमाने में जब हमारे पास अनाज नहीं था खाने के लिए, 66-67 में देश में भुखमरी थी, बुरी हालत थी, सूखा पड़ा हुआ था, और जब उन्होंने अनाज की हमको जो एड थी, मदद जो थी, बंद कर दी थी। 7th फ्लीट जो थी उनकी बे ऑफ बंगाल में आ गई थी लड़ाई के बाद में, उनके साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं। और बार बार उनके साथ में ऐसा मौका मिला है कि उन्होंने हमको हमारे जो जिसके साथ हमारी लड़ाई होती है उसको उनको सारे जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके लिए सारा जो भी सामान है वो सब वही देता है देश जिसके साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं 3 सालों से। अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, तो चीन के साथ मिलकर काम करने में हमें क्यों दिक्कत होनी चाहिए। कम से कम 62 के बाद से हमारे पूरे बॉर्डर पर शांति रही है। हम उसको तो याद रखते हैं कि जो झगड़ा हुआ वो तो निश्चय ही बहुत दुखद बात थी, लेकिन उसके बाद शांति रही है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। ये चीन का पक्ष हो गया कि चीन पर हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन नरेंद्र भाई जब इलेक्शन रैलीज भी करते थे अमित बेन, तो वो ऐसा नहीं है कि चीन को पूरी तरीके से क्लीन चिट देते थे। तब कांग्रेस का सरकार कटघरे में रहती थी। आज की तारीख में अगर मैं राजनीतिक फायदे नुकसान अलग कर दूं, तो क्या वो $100 बिलियन का निवेश हिंदुस्तान के लिए आपको बहुत हितकर लग रहा है? देखिए, पहला मुद्दा तो ये है कि चाइना ने मार्केट हमारा भारत का भर दिया है अपने प्रोडक्ट से, तो वैसे भी बिजनेस और अब कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं तो पूरा भरा है भारत। 62 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन हुआ अभी 2 दायके में, तो उसमें ये सब अभी पीछे रह गया है सारे इश्यूज कि भाई कूटनीति काम करेगी, कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस काम करेंगे। हम इंटरनेशनल फोरम में हर जगह मिलते हैं सारी कंट्रीज के प्रीमियर्स को, वहाँ चर्चा होती है, हम कई इंटरनेशनल ट्रीटीज में साइन कर चुके हैं। लेकिन जब कैंपेन किया था पीएम साहब ने इलेक्शन से पहले, तो पाकिस्तान और चाइना को बहुत कही थी कि भाई आप ये करते हैं वो करते हैं, आपने देखा हमारी बॉर्डर पे इतने ट्रांसग्रेशन करते हैं। आज भी जब चाइनीज प्रीमियर यहाँ पे है तो 100 जवान्स को बॉर्डर पे कैद किया हुआ है चाइनीज ट्रूप्स ने, तो ये सारी बॉर्डर की इंपॉर्टेंट बातें भूल गए पीएम साहब और आज ये मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि मीटिंग का नतीजा जो भी आए, पर हमें बहुत स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप हमारी नीति क्या थी। आप जिसको पहले कटहरे में रखते थे, आज आप भी वही कटहरे में है जी। अब कम ही ऐसा होता है, या यूं कहें कि मिसाल कायम किया जा रहा है कि दिल्ली नहीं बल्कि अहमदाबाद आ रहे हैं प्रोफेसर गुप्ता, चीन के राष्ट्रपति। मोदी जी ने एक बहुत अहम बात भी बोली कि देश के बाकी हिस्सों को भी देखना चाहिए अगर अंतर्राष्ट्रीय नेता यहाँ पर आ रहे हैं। नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत। चीन के यहाँ आने से जो सिस्टर सिटीज का फंडा और सिस्टर स्टेट्स का फंडा कह रहे हैं, बंगाल, गुजरात, बहन, बहुत मदद मिल सकती है। देखिए, ऐसा है कि चीन का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला, आर्थिक रूप में बढ़ने वाला राज्य, और भारत का बहुत तेजी से बढ़ने वाला राज्य यानी गुजरात और गुआंगडोंग की जो बातचीत आज होगी और जो 2 सिटीज आपस में मिलेंगे, निश्चय ही हम लोग एक जो बड़े आयाम पर सोचने की क्षमता हमारी जो है वो सीमित है। हम लोग छोटी छोटी बातें सोचते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हमारे यहाँ सालों लग जाते हैं काम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि काम करने के तरीके में बड़े सपने देखना और उनको कारगर करने के लिए समयबद्ध सीमा पर उनका क्रियान्वयन करना, ये जो क्षमता है हमारे देश को बढ़ानी है। हमारे यहाँ जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, सब में टाइम और कॉस्ट ओवर रन हो रहा है। सबके अंदर समय की सीमा भी पार हो चुकी है, पैसे की सीमा भी पार हो चुकी है, खर्चे की सीमा भी पार हो चुकी है।
हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता यदि हम ये अनुशासन अपने अंदर नहीं लाएंगे तो। तो मुझे लगता है कि ये अनुशासन सीखने के लिए, जैसे मेट्रो में श्री अरविंद जी ने दिखाया था, ऐसा नहीं कि हमारे देश में प्रयास नहीं हुआ है, जैसे इसरो ने $76 मिलियन के अंदर चंद्रमा पे यान पहुंचा दिया जो कि दुनिया में कभी भी $1 बिलियन से कम नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं कि हमने पहले प्रयास किए नहीं है कम खर्च के अंदर सफलता हासिल करने के, लेकिन चीन के साथ मिलकर जो एक पूरे देश का जो मानस है वो बदलने की संभावना है, हमारे यहाँ वो स्वभाव बदलेगा, एक आम आदमी के मन में अपेक्षा जागेगी कि अब जो भी काम शुरू होगा वो समय पर बंद होगा, समय पर सीमित पूरा होगा और उसकी गुणवत्ता और उसके अंदर भागीदारी भी समाज की होगी। तो एक विकेंद्रीकृत समाज की जो कल्पना गांधी जी ने की थी, मुझे लगता है उसको आज बल मिला है। देश के अलग अलग राज्यों में अगर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां होंगी तो निश्चय ही एक विकेंद्रीकृत समाज का, विकेंद्रीकृत भारत का जो ताकत है बढ़ेगी। अभिविन्द, कम से कम इस बात की खुशी है कि गुजरात से शुरुआत हुई है इसकी? नहीं, खुशी तो हमेशा रहेगी, कोई किसी भी राज्य में अगर निवेश आता है तो खुशी तो रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं से भी आता है, डेवलपमेंट जरूर होता है और भी काफ़ी फायदे होते हैं। पर आज पीएम मोदी साहब जो है वो सीएम के तौर पर नहीं है, तो इंटरनेशनल बातचीत हम करते हैं जब वो प्रोटोकॉल तो दिल्ली में रह के सारे राज्यों के लिए करते हैं, अहमदाबाद से तो गुजरात तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, हम कई साल से कह रहे हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर गुजरात में आ चुके हैं 20 साल में, कई गुजरात ने काफ़ी तरक्की कर ली है कई सालों में, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि एक विकसित राज्य की झांकी वो दिखाना चाहते हो? नहीं तो